अभी की बड़ी खबरें आ रही हैं, बिग ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है, अभी की बड़ी खबर एसटीजी न्यूज चैनल पर। विदेशी आयुष डॉक्टर के लेटेस्ट न्यूज आज की क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बिहार स्वास्थ्य विभाग की नोटिस आ गई है, सभी लोग इस वीडियो को देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम एसटीजी न्यूज चैनल पर दिखाते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की नोटिस आ गई है। नमस्कार, मेरा नाम रमेश कुमार है और आप एसटीजी न्यूज चैनल देखना शुरू कर दिए। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं एसटीजी न्यूज चैनल पर। एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए हम बात करते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, आवश्यक सूचना है जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 हाउडी रोड पटना की तरफ से निकल के आ रही है। खबर क्या है आपको ध्यान से देखना चाहिए। जैसा देख सकते हैं खबर कल ही का है, 14/10/2022 का एक खबर है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार सरकार की तरफ से निकल के आ रही है आवश्यक सूचना, विज्ञापन संख्या 4/2020 और 9/2020 आयु चिकित्सा पदाधिकारी के लिए खबर निकल सामने आ रही है। विज्ञापन संख्या 4/2020 और 9/2020 के देख सकते हैं आयु चिकित्सा पदाधिकारी के पद के नियुक्त, जैसे आप देख सकते हैं ये नंबर है जो आदेश जो किया गया था 13/4/2022 को, और दूसरा हुआ था आदेश जो 9/5/2022 को माननीय उच्च न्यायालय को ये लिखा गया था। पटना द्वारा आयु चिकित्सा पदाधिकारी पद हेतु 23 वर्ष उम्र सीमा में छूट दी जाने के आदेश पारित किया गया है। अब बड़ा सवाल है कि ये जो 23 साल जो एज है इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ डॉक्टर भी जुड़ेंगे फोन लाइन पर, उनसे हम बात करेंगे, सिलसिलेवार ढंग से आपको इसकी विस्तृत जानकारी हम देंगे। उक्त वर्णित आदेश की छाया प्रति संलग्न अधियाचिका विभाग के आयोग से प्रतांक संख्या 918 दिनांक 5/5/2021 और पुनः दोबारा लिखा गया था जो 22/6/2022 को, यानी 22/6/2022 को, और तीसरा जो लेटर लिखा गया था रिसेंटली में यानी सितंबर में 29/9/2022 को स्मारक कराते हुए परामर्श की मांग की गई थी और इसका उद्यम अपर्याप्त रहा है। जैसे उपरोक्त संबंधित परामर्श याचिका विभाग को प्राप्त होने से उपरांत नियुक्ति प्रक्रिया के अग्रेतर कार्रवाई की जाए, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर सचिव का साइन है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कल ही की तरफ से है। लेकिन हमारे साथ अभी कुछ डॉक्टर जुटेंगे, हम इसके बारे में समझना चाहेंगे कि आखिर ये 23 साल का एज क्या है और इसको साधारण भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे। शशि जी आप एक बात बताइए, आप आयुष डॉक्टर भी हैं, आप एक बताइए साधारण भाषा में जो 23 साल वर्ष का जो छूट देने की बात की जा रही है ये क्या है? 23 साल की छूट देने की जो बात कीजिए, जो नियोजित चिकित्सक हैं उनको 23 साल छूट देने की बात की गई है। तो सरकार द्वारा, सरकार का कहना ये है कि अगर आप 23 साल छूट देते हैं तो 37 जो जनरल स्टेज है उसमें आप 23 जोड़ा जाता है तो 60 साल होता है। अगर रिजर्वेशन कोटी से अगर 42 साल जिसको ऑलरेडी है उनको 23 दिया जाता है तो 65 हो जाता है। तो काउंट करने के बाद से रिटायरमेंट का समय आ जाता है। तो इसलिए सरकार इस 23 साल के बारे में नहीं सोच रही है, कारण यही है। तो ये बात बताइए ये लाभ किसको मिलेगा? अगर 23 साल को मिलना होगा सभी लोगों को मिलेगा? नहीं, ये नियोजित जो चिकित्सक जो ऑलरेडी पहले से है उनको ही मिलेगा, जनरल। यानी है क्या मतलब, क्या जो बिहार जो गवर्नमेंट में जो राज्य स्वास्थ्य समिति के अंदर हैं जो संविदा पर काम कर रहे हैं उनको ये मिलेगा? हाँ उनको मिलेगा। तो 12 साल की पहले बात थी, अब 23 साल के, अब 23 साल की बात आ गई। आखिर 23 साल होने से आप लोग खुश हैं कि नाराज हैं? 23 साल होने से खुश नाराज की बात नहीं है, वो तो सरकार की जो मानसा है, लेकिन ये तो है कि वो सीट बहुत जल्द वैकेंट होने वाला, खाली होने वाला होगा क्योंकि एज तो बचेगा नहीं। इसलिए सरकार यही चाहती है कि जो बहालियां मैं करूं वो तत्काल खाली ना हो जाए, कुछ लंबे समय तक उसमें चिकित्सक अपना कार्य करें। यानी कहने का मतलब साफ साफ है कि अगर 23 साल होगा तो हम साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि डॉक्टरों को फायदा होने वाला है और सरकार को भी फायदा होगा क्योंकि उनका रिटायरमेंट जल्दी नहीं होगा। हाँ आप यही कह, 23 साल उम्र अगर होगा तो रिटायरमेंट जल्दी हो जाएगा, 1 साल से 2 साल के अंदर रिटायरमेंट हो जाएगा। और इस समय 23 साल अगर छूट देती है तो 2030 की बात है, आज 2022 चल रहा है, 2 साल तो ऐसे ही पीछे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, ये चीजें अभी माननीय कोर्ट में गया है, आप लोग को नहीं लगता कि अब डिले होगा और सारे चीजें जो वैकेंसी का आप लोग मांग कर रहे हैं कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया, जनवरी में हमारी काउंसलिंग हुई थी अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो आप लोगों को नहीं लग रहा है कि कुछ अब और डिले हो सकता है?
सरकार की अगर मनसा साफ हो तो बहालियां हो सकती है, उसका ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि जो 12 लोगों का हाई कोर्ट से डिसीजन मिला है उन 12 सीट को खाली रखकर बाकी बहालियां कर रहे हैं, फिर उनके पास से उन 23 साल वालों को बारे में सोचते हैं। तो सर 12 वाले फिर आवाज उठाने लगेंगे, फिर क्या होगा? फिर 12 लोग जो आप कह रहे हैं अगर वो आवाज उठाने लगे कि हमारा भी होना चाहिए, फिर उनका उनका सीट रिजर्व रख ले सरकार। सरकार की ऑप्शन है कि 12 सीट रिजर्व रख ले उनके लिए, जो डिसीजन वो करेगी उसके बाद से अगर अगर आता है कि नहीं करना है तो कर लो उसके, और नहीं आता है तो फिर वो किसी और से भरे। लेकिन उतनी सीट रिजर्व रख के बाकी बहालियां कर सकती है सरकार, सरकार पास अगर मानसा साफ हो अगर करना चाहे तो। यानी साफ साफ आप कह रहे हैं कि सरकार के नियत पर ही है कि अगर वो करना चाहे तो ये सारे ऑप्शंस रास्ते खुले हैं, अगर नहीं करना है तो इसको टाल मटोल किया जा सकता है। सर हमारे साथ आप जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे डॉक्टरों का आपने बात सुनी और हमारा मकसद यही था कि इस फैक्ट्स को सामने ला कर रखें और उसी से क्वेश्चन किया जाए जिनके पास इसका जवाब हो, और उन्होंने डॉक्टर जो आयुष डॉक्टर थे उन्होंने बखूबी से जवाब दिया और आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए कि एक मुहिम चलाएंगे और सरकार के ऊपर जरूर हम प्रेशर बनाकर जवाब मांगेंगे। तो आज के न्यूज में यही था, वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। यूट्यूब पर देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।